सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल मेहताब एलोकेशन वर्क। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको ये वॉश बेसिन होता है हैंड्स क्लीन करने का, वो आज फिटिंग कर रहे हैं हमारे प्लम्बर भाई रमेश। आप देख सकते हैं ये हैदराबाद उपल में काम करते हैं। आपको कॉन्टेक्ट नंबर इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कुछ भी काम रहे तो आप चाहे तो इसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा। ये जो वॉश बेसिन है हमारा पुराना वॉश बेसिन है, इसी को यहाँ पे हम पहले से ड्रिलिंग करके इसका दो पट्टी फिक्स कर चुके हैं। और ये यहाँ पे इसका वेस्ट वाटर जाने के लिए ये पाइप है और ये हैंडीकैप है, यहाँ से इसके नल को वाटर जाएगा। सो कनेक्शन है। सो फाइनली फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं ये हमारा पुराना कनेक्शन है, यहाँ पे एक टैप डालेंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसमें नल फिट कर लेंगे। अब देखिए कैसे पूरे काम हो रहा। ऊपर से टैप लगा के नीचे आपको बताएंगे। नीचे इसको एक बोल्ट रहता वो फिट करना रहता। बॉक्स पाना है, आप देख सकते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। ये हमारा वेस्ट पाइप का भी, ये पुराना वाला को खोल देंगे और नया पाइप को फिक्स करेंगे। इसमें वेस्ट कपलिंग पहले से पुराना वाला ही लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिटिंग हो चुका है, अब नल के पाइप को फिट करेंगे। पीवीसी कनेक्शन। फ्रेंड्स, इस टाइप का पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। इसके बाद इसके ऊपर बैठा देंगे, आप देख सकते हैं इसके नीचे ये स्क्रू है, वो बैठ चुका है पूरी तरह से। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी इसमें सिर्फ ये पीवीसी कनेक्शन डालना है और ये वेस्ट पाइप का कनेक्शन डालना है। ये कम्प्लीट हो चुका है, आपको पूरा चालू करके टैप ऑन करके बताएंगे नल। इसको अच्छा कर टाइट कर लेना, नहीं तो वाटर लीकेज हो सकता है। फाइनली फ्रेंड्स, वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें साइड साइड से जो है ये वाइट सीमेंट डालेंगे नीट फिनिशिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, आपको प्लम्बिंग वर्क के लिए हैदराबाद में अगर चाहिए प्लम्बर तो आप ही देख सकते हैं, रमेश भैया, इसका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए